दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए समर्पित है, इसीलिए उनके भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन ही उनकी पूजा, आराधना एवं अनेक ऐसे उपाय करते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाती हैं, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं होता है। सभी प्रकार के आर्थिक समस्याएँ माता लक्ष्मी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप चुपचाप कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी और वे आप पर मेहरबान अवश्य होंगी। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्रवार के दिन चुपचाप ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाएं और वे प्रसन्न होकर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएं और हमारे सभी प्रकार के आर्थिक संकट समाप्त हो जाएं। दोस्तों, सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन व्यक्ति को सुबह स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति नित्य शुक्रवार स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना करता है तो ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी अधिक दिन तक रूठकर नहीं रह सकती और वे शीघ्र ही उस व्यक्ति पर मेहरबान होकर उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएँ समाप्त कर देती हैं। इसके अतिरिक्त नंबर दो, अगर दोस्तों शुक्रवार की रात्रि में आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी श्री सिद्धये मम गृह आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र से माता लक्ष्मी अत्यधिक शीघ्रता के साथ प्रसन्न होती हैं और इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति की ओर वे दौड़ी हुई चली आती हैं और उसके जीवन में चल रही समस्त आर्थिक समस्याएं समाप्त कर देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप धन अर्जित करें, आप धन की बचत करें, आपके धन के अनेक स्रोत हों, तो दोस्तों आपको इस मंत्र का जप शुक्रवार की रात्रि अवश्य करना चाहिए। रात्रि में जप करने से इस जप का फल कई गुना बढ़ जाता है और शीघ्र ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां भर देती हैं। नंबर तीन, दोस्तों शुक्रवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इस बार आप माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप एक लौंग अवश्य चढ़ाइए। एक लौंग अथवा एक लौंग का जोड़ा आप माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिए और उसे वहां रखा रहने दीजिए। पूरी रात्रि रखी रहने के बाद आप अगले दिन सुबह उस लौंग के जोड़े को अपने घर की तिजोरी में अथवा पर्स में रख लीजिए। दोस्तों, यह एक ऐसी चीज़ है कि माता लक्ष्मी के ऊपर लौंग अर्पित करने के बाद अगर आप उसे धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो उस जगह पर पैसा अपने आप खिंचता हुआ चला आता है, यानी कि यह एक चुंबक का कार्य करता है जो धन को खींचती है। इसलिए आपके पास अनेक ऐसे मौके आएंगे, अनेक ऐसे अवसर आएंगे कि आपके आय के अनेक स्रोत खुलने लगेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ भी है तो वह भी शीघ्र ही आपके पास आएगा और आपके पास फिर कभी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। नंबर चार, दोस्तों शुक्रवार की रात्रि आप माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीपक, एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। दोस्तों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घी का दीपक जलाने के बाद आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं और उसके बाद उस खीर को आप परिवार के साथ बैठकर अवश्य खाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपके परिवार में चल रही कलह भी समाप्त हो जाएगी और परिवार पर अगर कोई दोष होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके घर में, आपके परिवार में धन की कोई कमी नहीं रहती है। नंबर पाँच, दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी भी कमी ना हो तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास आप शुक्रवार के दिन हकीक नाम का एक पत्थर होता है, उसे आप माता लक्ष्मी के पास रख दीजिए और नित्य जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब आप इस पत्थर की भी पूजा कीजिए। आप सत्य मानिए कि इस पत्थर के प्रभाव से, क्योंकि माता लक्ष्मी इस पत्थर से अत्यधिक शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं और इस पत्थर के प्रभाव से माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी और मेहरबानी के कारण आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नंबर छह, दोस्तों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार की रात्रि में कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप कनक धारा मंत्र का स्रोत का पाठ करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उसके जीवन में फिर कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियाँ समाप्त तो हो जाती हैं। दोस्तों, इन उपायों में से अगर आप किसी भी एक उपाय को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन
जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे अवसर लेकर आएंगे जिससे आपके घर में धन की कभी भी कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार सभी स्वस्थ होंगे और उनके जीवन में भी खुशियाँ भरी हुई रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।